हेलो माय डियर लर्नर्स, ये वर्कशीट है आप लोगों की, वर्कशीट नंबर 17 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है और ये है आपकी 24 नवंबर की वर्कशीट। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, और टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस की भिन्न की तुलना करना सीखेंगे। तो इसमें हम दो तरह की कंपैरिजन सीखेंगे, एक तो अगर डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शन का तब कंपैरिजन कैसे करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर अलग-अलग हो जाए तो तब कैसे हम कंपैरिजन करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं इस एग्जांपल से जो यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल आप लोगों को फ्रैक्शंस की तुलना करना किस तरह से दिखाया गया है। ढोलू और भोलू जो है एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर उन्होंने पिज्ज़ा खाया अपने पेरेंट्स के साथ में। ढोलू ने इतना पिज़्ज़ा लिया अपनी प्लेट में और भोलू ने इतना लिया, तो आप लोगों को बताना है कि किसका पिज़्ज़ा ज़्यादा है। तो इस तरह की कंपैरिजन करने के लिए आप लोगों को सिर्फ आगे का जो नंबर होता है, जो नेचुरल नंबर होता है, यानी कि सिर्फ ये है ना, तो ये वाला आप लोगों को कंपेयर करना होता है, सिर्फ उसी से ही पता चल जाता है। यानी कि जैसे कि 3 है और हाफ है और सेकेंड में है 2/3, 3/4, तो आपको सिर्फ ये देखना है, बाकी का छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। जो बड़ा है इनमें से नेचुरल नंबर कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। अगर 3 बड़ा है तो ये पूरा का पूरा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, तो ये पूरा मिक्स्ड फ्रैक्शन इससे बड़ा हो जाएगा दूसरे वाले से। ठीक है, ये तो सिंपल था कंपैरिजन, कि सिर्फ आपको जो आगे का जो नंबर है नेचुरल नंबर उसे ही कंपेयर करना है, जो बड़ा होगा तो वो पूरा का पूरा भी बड़ा ही कहलाएगा। तो ये तो आपका इस तरह से था। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप लोगों को फ्रैक्शंस को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, कि अगर हाफ है 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, मीन्स कि अगर ऊपर न्यूमरेटर सेम होता है, तो अगर न्यूमरेटर एक ही सबका सेम है लेकिन अलग अलग डिनोमिनेटर है तो क्या करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक चीज़ है, उसके दो टुकड़े करने हैं, फिर एक चीज़ है उसके तीन टुकड़े करने हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा बड़ा है। तो इस तरह से बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं कि हाफ बड़ा है, अब बच्चे सोचते हैं क्यों हाफ की बड़ा है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए ये फिगर यूज़ की गई है आप लोगों की। ये फिगर देखिए यहाँ पर, इसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हाफ़ का मतलब है कि एक चीज़ के दो टुकड़े करने, 1/3 का मतलब है कि एक चीज़ है उसके आपको तीन टुकड़े करने हैं, 1/4 का मतलब है उसी सेम चीज़ के चार, उसी सेम चीज़ के पांच, 1/5 का मतलब होता है। तो देखिए जितने ज़्यादा नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, टुकड़ा उतना कम होता चला जा रहा है, हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जिसका डिनोमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर सेम है दोनों में, तो डिनोमिनेटर जिसका जिसका जो है सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वही बड़ा कहलाएगा फ्रैक्शन के केस में। ठीक है, तो यानी कि 1/2 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा ये है 1/5, क्योंकि इसका जो हिस्सा इसको मिला सबसे कम मिला है। तो ये थी आप लोगों का, कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए और न्यूमिनेटर अगर सेम हो जाए तो किस तरह की कंपैरिजन होती है। ये जस्ट एक एग्जांपल थी आप लोगों को समझाने के लिए। आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। अगर ऐसे फ्रैक्शंस की हमें कंपैरिजन करनी है जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो किस तरह से हम कंपेयर करेंगे। तो सिंपली इसमें क्या करते हैं, वही वाली बात है कि यहाँ पर देखिए सात सात में से हमें 3 लेने हैं, यहाँ पर हमें 7 में से 5 लेने हैं। तो जाहिर सी बात है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को कि बड़ा कौन सा है, ये 5 वाला बड़ा है। तो इसमें तो सिंपल यही है कि अभी बताया भी था कि जो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हमें सिर्फ ये चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो 5 बड़ा है, तो इसीलिए 5/7 भी बड़ा हो जाएगा 3/7 से। ठीक है, ये इस तरह से कंपेरिजन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगर कंपैरिजन करना है, अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए और न्यूमिनेटर भी अलग अलग हो जाए, तो हम इस तरह के केस में क्या करते हैं। तो इस तरह के केस में बेटा सिंपल है, कि हमारा मेन मकसद होता है कि हमें नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना होता है किसी भी तरह। तो इसको करने का सिंपल, सबसे सिंपल तरीका ये होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया 2/3 एंड 3/4, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक एक करके 1/1। देखिए कैसे करते हैं,
देखिए हमारा मेन मकसद है डिनोमिनेटर को सेम करना, तो आप 3 के टेबल में ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो जो कि 4 से भी आ जाए, ठीक है। तो इन जैसे जैसे कि जो 12 है, 12 जो है 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, कॉमन चीज़ है, हमें दोनों के टेबल में ऐसी कॉमन चीज़ ढूंढनी होती है। लेकिन इन सब झंझटों से बचने के लिए आप सबसे सिंपल तरीका आप ये कीजिए, देखिए 2/3 है और दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास में 3/4, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जो इसके नीचे है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 4 8 और 3 4 12, तो उस अब जो इसके नीचे था उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 से, 4 3 12 और 3 3 9। अब बताओ डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के, तो बस अब कंपैरिजन करना आसान है। तो यानी कि बड़ा कौन सा है, 9 9 9/12, जो कि बराबर किसके था, 3/4, इसीलिए 3/4 बड़ा हो जाएगा 2/3 से, ठीक है। इस तरह की हम इसको कंपैरिजन करते हैं। आगे देखिए आप लोगों को जो करना है कॉपी में काम, आपका काम होगा ये वाला, ये इतना काम आपको कॉपी में करना है। तो इसमें पहले कंपेयर करना है इन दोनों को, कंपेयरिंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग फिगर। ये बस ये वाला काम बेटा आपको कॉपी में करना है और कुछ नहीं करना, यही काम करना है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग फिगर। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसके पास ये 5 है, इसके पास ये 5 है, तो बताना आसान है ना कौन सा बड़ा है। तो ये वाला बड़ा है, तो इसकी तरफ इस तरह से ये सिंपल इस तरह से ग्रेटर देन का साइन लगा दो, ठीक है। 3/5 जो है ग्रेटर देन है 1/5 से, वैसे ही 5/7 और 3/7 डिनोमिनेटर जो है सेम हो गए, तो बताना आसान है कौन सा है। तो ये वाला बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खोल दो, इस तरह से करना है, ठीक है। बस ये इसका आंसर है, वैसे ही इसका 3/5 बड़ा है और ये इसका आंसर है, बस इतना करना था इसमें। तो आगे देखते हैं, ये देखिए इसमें हमें कंपेयर करना है कि दोनों में कौन सा बड़ा है। अब देखिए इसमें जो है डिनोमिनेटर अलग अलग हो गए, 5/6 है और 1/4 है। तो अभी क्या बताया था मैंने कि दोनों को सेम पहले कर लो, डिनोमिनेटर को सेम करो, जो इसके नीचे है ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 4 24। अब जितने से नीचे करा है 4 से करा ना, तो ऊपर भी 4 से करो, 5 4 20। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को अब इसको इससे कर दो, 6 4 24, और मतलब मैंने यहाँ 6 से करा तो ऊपर भी मैं 6 से करूँगी, तो 1 6 6। अब बताओ कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, और जो कि इक्वल है इसके 5/6 के, यानी कि 5/6 बड़ा हो जाएगा 1/4 के, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। उसी तरह से जो इसका बी पार्ट है वो देखिए कैसे करेंगे, देखिए 2/3 है और 3/5 है, ऐसे लिख देंगे पहले, उसके बाद ये 5 है, दूसरे वाले के पास 5 है ना, तो इस 5 से पहले वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 10, ठीक है, और 3 5 15। अब उसी तरह से जो पहले वाले के नीचे डिनोमिनेटर जो 3 है ना उसको ऊपर नीचे उससे कर देंगे, मतलब उल्टा कर देते हैं, 3 3 3 5 15 और 3 3 9। अब बताओ कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है या 9 बड़ा है, 10 बड़ा है। अगर ये पूरा नंबर बड़ा है तो ये वाला नंबर जो गिवन है वो भी बड़ा हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 2/3 ग्रेटर है 3/5 से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने थे, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अपनी वर्कशीट कीजिए अच्छे से और अपने टीचर से चेक करा लीजिए। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ़।